गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत सीएम योगी के साथ करेंगे मंथन। हार के बाद शुरू हुआ बैठकों का दौर। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही, जिसके बाद अब बैठकों और मंथनों का दौर जारी है और इसकी शुरुआत हो रही है सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से। कल यानी 12 जून को आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत 5 दिन के प्रवास पर गोरखपुर पहुंच गए हैं। वो चार प्रांत, कानपुर प्रांत, अवध प्रांत, काशी प्रांत और गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और संघ शिक्षा वर्ग प्रथम विशेष के स्वयंसेवकों को बौद्धिक ज्ञान देंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान मोहन भागवत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में मिली करारी हार को लेकर मंथन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं है, मगर उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सांसदों की सीटें सिर्फ 33 तक ही सिमट गईं, उसके पीछे कारण क्या रहा। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने रिकॉर्ड 64 सीटें जीती थी और इसी जीत से गदगद इस बार 80 में 80 का नारा दिया गया था, मगर उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं आ पाए। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, जिसमें सपा की अकेले 37 सीटें हैं और कांग्रेस की उम्मीद से ज्यादा 6 सीटें आ गई। इससे विपक्ष यूपी में आधे से ज्यादा की स्थिति में पहुंच गया और सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब इसी हार को लेकर बीजेपी मंथन करने बैठी है ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को संभाला जा सके। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। वो कार्यकर्ता विकास वर्ग में 350 स्वयंसेवकों को टिप्स और ट्रेनिंग देंगे। चर्चा है कि वो पूर्वांचल की हारी हुई 17 सीटों का फीडबैक भी ले सकते हैं। वहीं इस बीच शुक्रवार या शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक आरएसएस की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। मोहन भागवत के दौरे में सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान भाजपा और आरएसएस की दूरियां सामने आ चुकी हैं। 2024 में आरएसएस जमीन पर नहीं दिखी, वोटर्स को बूथ तक लाने की कोशिश भी नहीं हुई। इससे पहले मोहन भागवत सोमवार 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए थे। यहां भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की थी। संघ प्रमुख बनने के बाद मोहन भागवत गोरखपुर में छठी बार आ रहे हैं। पहली बार वो कार्यकारी मंडल की बैठक में गोरखपुर हिस्सा लेने के लिए आए थे, जिसमें देश भर के संघ के पदाधिकारी गोरखपुर में इकट्ठा हुए थे। इससे पहले और पिछली बार उनका 20 मार्च 2022 को गोरक्ष प्रांत के स्वयंसेवकों की बैठक को संबोधित करने के लिए गोरखपुर आना हुआ था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम योगी के साथ संघ प्रमुख की मुलाकात होती है या नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।